I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश व्लॉग। तो ऑफिस जॉब के सिलसिले में हमें जाना पड़ रहा है नागपुर महाराष्ट्र ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है हमारी वहाँ पे। तो हमने सोचा चलो कश्मीर से लेके नागपुर का जो सफ़र है वो हम आपको दिखाएं, क्या कुछ रहने वाला है रास्ते में वो हम दिखाएंगे आपको, कैसे जाना है हमें वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हम अभी अपने कस्बा उड़ी से निकले तवेरा गाड़ी में। तो सुबह 4 बजे निकले थे हम, तो लगभग 6 बजे के करीब हमने पहला टोल नाका क्रॉस किया बिजबिहाड़ा में। तो कुछ ही दूरी के बाद हमारी गाड़ी ख़राब हो गई यहाँ पर, तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। लगभग 3-4 घंटे लग गए हमारी गाड़ी को, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई। और फिर लेकिन उसके बाद हमने गाड़ी को टो करके नज़दीकी वर्कशॉप तक लिया, लेकिन वहाँ पे पता चला कि हमारी गाड़ी अब ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसका जो इंजन है वो सीज हो गया। तो फिर हमने वहाँ से एक नई गाड़ी बुक की जम्मू तक। तो अब निकले हैं हम काजीगुंड से, तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं। साथ में इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। इनफैक्ट पूरी सीरीज़ जो आएगी ये पार्ट्स में आएगी, तो पूरा आप एंड तक देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। नई नई जगहें हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. गाइज फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुंचे सरमौली जो जम्मू से पहले आता है। तो यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया जायका रेस्टोरेंट में, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। तो लंच करने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा जम्मू की तरफ, जो दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइज
श्रीनगर से जम्मू तक का जो सफ़र है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तो भी आजकल काफ़ी रोड्स वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, काफ़ी टनल्स वगैरह बन गई हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी आसानी होती है जम्मू तक पहुंचने में बाय रोड। कुछ कुछ जगहें हैं ऐसी जहां पे अभी भी स्लाइडिंग वगैरह आती रहती हैं, तो लेकिन कुछ कंपनीज लगी हुई हैं उन जगहों को रिपेयर करने में। तो आई होप कि आने वाले वक्त में जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक जाम्स लग जाते हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए जम्मू पहुंचते पहुंचते, लेकिन फाइनली हम जम्मू पहुंच गए। तो दोस्तों, जम्मू पहुंचकर हमने सबसे पहले बस का टिकट जो है वो कंफर्म किया, तो अपना सामान वगैरह रखा वहीं टूर एंड ट्रेवल्स वालों के पास। तो बस जो है हमारी वो शाम को अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे निकलेगी जम्मू से दिल्ली की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं बस, स्लीपर बस में जा रहे हैं हम जम्मू से दिल्ली तक। तो कल वहाँ से हमारी ट्रेन है नागपुर के लिए। तो फ़िलहाल हमने सामान वगैरह रख दिया है यहीं टूर एंड ट्रेवल्स वालों के पास, अब हमें 9:30 आना है बस में बैठने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं किसी नज़दीक किसी लॉज में रुकने के लिए, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं सब लोग। तो नहा लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, खाना वगैरह खा के फिर हम निकलेंगे शाम को। सो गाइज, फाइनली वक्त आ गया है कि अब हम जम्मू से निकलने वाले हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी हम एक लॉज में रुके थे, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ जहाँ से हमें बस में बैठना है। तो अब इससे आगे का जो सफ़र है जम्मू से दिल्ली तक का, वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।